I'll start sharing once again. Okay, is this Excel sheet visible? Yes, ma'am. Okay, now wait, still some students are joining. We will take a minute and stand. Okay, look at the next point now. Where we were actually, we were on the equipment, right? Equipment. Yes, equipment. पहले कितने थे? 45. अब कितने हो गए? 40,500. 40,500. Okay. Increase हो रहे हैं कि decrease हो रहे हैं? Decrease. Decrease. आपको मैंने याद है बताया था, जब कोई adjustment नहीं होगी, वो कुछ नहीं बोलेगा, तो अगर increase हो रहा है तो कुछ नहीं बोलेगा जब. Purchase है. हाँ, increase होगा तो purchase है. Purchase है. Yes, Kritika answer correctly. Purchase है. लेकिन अगर समझो decrease हो रहा है और वो कुछ नहीं बोल रहे तो क्या है? Depreciation. Very good, Kajal. Depreciation. Written off नहीं बेटा, written off तो intangible fixed assets को होता है. हाँ हाँ हाँ. हम equipment की बात करें. Equipment मतलब tangible fixed assets. तो जब वो कुछ ना बोले adjustments के form में, एडजस्टमेंट्स के थ्रू हमको ये ना बताए कि क्या हो रहा है और हमको दिख रहा है कि बढ़ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है मतलब परचेज हो रहा है. अंडरस्टूड है वो तो कि फिक्स्ड एसेट्स तभी तो बढ़ेंगी जब मैं खरीदूंगी और कम हो रही है तो डेप्रिसिएशन है क्योंकि उसने बेचने के लिए नहीं बोला है. देखो हम खुद से तो नहीं चीजें बेच सकते, कितने में बेचेंगे? सेलिंग प्राइस भी तो होनी चाहिए मेरे पास, कितने में बेचोगे आप? So you don't have any information regarding sales. So you have to take it as depreciation. Mute, mute. और ये Redmi करके कौन है? आप खुद को rename करो. सुमन है वो. सुमन. सुमन. सुमन बेटा अपने आप को rename करो. Unmute करो. हाँ बोलो. अनम्यूट करना सुमन. रीनेम करने आता है बेटा. देख सुन मेरी बात, तेरे पास ऑप्शन है पार्टिसिपेंट्स. पार्टिसिपेंट्स में जाके अपने नाम पे क्लिक करके उसको रीनेम कर. सुमन ओके चलो हम स्टार्ट करते. हाँ तो अब इक्विपमेंट पे क्या दिख रहा है? डेप्रिसिएशन. बताओ डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, इन्वेस्टिंग में कि फाइनेंसिंग? ऑपरेटिंग. हाँ अतीफा फिर से बोलो कहाँ जाएगा. अतीफा ने शायद गलत आंसर दिया. यस अतीफा. यस मैम. क्या आंसर दिया बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ऑपरेटिंग बोला ठीक है ओके. अच्छा ऑपरेटिंग में कहाँ जाएगा? नॉन कैश में जाएगा कि वर्किंग कैपिटल? यस नॉन कैश. नॉन कैश एक्सपेंस. क्योंकि ये नॉन कैश है तो ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? ऐड. ऐड. ऐड करेंगे. हाँ वेरी गुड. लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट. लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट. कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है? 45,000 माइनस 40,500. तो आंसर वुड बी 4,500 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस मैम. ओके वेरी गुड. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज
after equipment come to stock. There is no adjustment. We will treat right it now. Stock पहले कितना था 1 lakh. उल्टा देखेंगे यार, सम उल्टा दिया हुआ है. पहले कितना था 1 lakh. अब कितना हो गया 74,000. मतलब 26,000 का कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है. कम हो रहा है. कम हो रहा है. अच्छा ये कौन सा एक्टिविटी है डिक्रीज इन स्टॉक? कौन सा एक्टिविटी है डिक्रीज इन स्टॉक? शिवानी कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन है. स्टॉक को कभी डेप्रिसिएशन लगा सकती है तू? शिवानी यस मैम. बेटा डेप्रिसिएशन कहाँ से आ गया? डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे होता है. मैं फिक्स्ड एसेट्स के लिए बोल रही थी, जब कम होगा तो डेप्रिसिएशन. ओके क्लोजिंग स्टॉक फिक्स्ड एसेट नहीं होता, करंट एसेट होता है. खुद पे ही हंस रही है देख, है ना? खुद पे ही हंसी आ रही है देखो. अच्छा ध्यान दो ठीक है. वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स होते हैं ना कि फिक्स्ड एसेट्स होते हैं. ये मेरा करंट एसेट है. करंट एसेट कम हो रहा है तो ये कौन सा एक्टिविटी है? Somebody has answered Surbhi, very good. Operating activity है. Operating. Yes, Saurav has answered. Working capital में जाएगा. तो अभी हम लिख रहे हैं working capital में decrease in closing stock. How much it is decreasing by? 26,000. लेकिन डिक्रीज है तो क्या करना है? इनवर्स रिलेशन होता है कि एड डायरेक्ट रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन. इनवर्स रिलेशन करना है. अगर डिक्रीज हो रहा है तो ऐड करना है. यस अगर डिक्रीज हो रहा है तो ऐड करना है. हो गया इतना सबको समझ में आया? अब नेक्स्ट पॉइंट पे आके जाते हैं. डेटर्स पहले कितने थे? 2 lakhs. अब कितने हो गए? 160. कम हो गए कि बढ़ गए? कम. कम. ओके कम हो रहा है. 40,000 से मुझे कम होते दिखाई दे रहे हैं. कौन सा एक्टिविटी है? डिक्रीज इन डेटर्स. विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग. कहाँ जाएगा? नॉन कैश में कि वर्किंग कैपिटल में? वर्किंग कैपिटल. लिखेंगे डिक्रीज इन डेटर्स. ओके हाउ मच इट इज डिक्रीजिंग बाय? 40,000. अच्छा ऐड करना है कि लेस करना है? ऐड. ऐड. क्यों ऐड करना है? देयर इज द इनवर्स रिलेशन. इनवर्स. हां इसका रीजन क्या था? इनवर्स रिलेशन. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट पॉइंट. कैश ये क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? अभी ट्रीट करेंगे इसको? नहीं. इसके लिए एक स्पेशल जगह रिजर्व करके रखी है बिल्कुल लास्ट में. याद आया? सीनियर सिटीजन्स के लिए कैसे रिजर्व्ड प्लेस होती है और टिकट्स पे भी डिस्काउंट होता है ना? ठीक है तो वैसे ही हमारी कैश में ही कैश का चैप्टर है. तो कैश के लिए हमने एक जगह रिजर्व करके रखी है बिल्कुल अलग से, बिल्कुल स्पेशल जगह हमने उसको दे रखी है. तो कैश बैलेंस के कितने आइटम्स होते हैं? कोई मुझे याद करवाएगा? कैश बैलेंस के कितने आइटम्स होते हैं? कैश बैलेंस 4. एक मिनट एक एक चीज बताओ. पहली चीज क्या थी? कैश बैलेंस. ठीक है अब और कोई आंसर देगा? दिव्या और शिवानी नहीं. कैश बैलेंस. दूसरा? दूसरा क्या था? बैंक बैलेंस. हाँ और थर्ड क्या था? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. वेरी गुड. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. मैं चैट भी देख रही हूँ. सौरभ ने आंसर किया. वेरी गुड. और फोर्थ क्या था? लेस. बैंक ओवरड्राफ्ट. लेस. काजल आंसर्ड करेक्टली. हलीमा वेरी गुड. निधि वेरी गुड. आपने आंसर्स किए लेस. बैंक ओवरड्राफ्ट. वेरी गुड. बैंक ओवरड्राफ्ट के टाइम पे लेस करना पड़ेगा. चलो फटाक से देखते हैं सब में क्या क्या दिया हुआ है चारों में से. कैश दिया हुआ है हाँ या नहीं? यस मैम. ठीक है लास्ट में देख लेंगे. बैंक दिया हुआ है हाँ या नहीं? यस. ओके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है? ओके बैंक को भी है लेस करने के लिए? नहीं. वेरी गुड. तो दो ही चीजें जो हम लास्ट में देख लेंगे. अब आते हैं गुडविल पे. कैश और बैंक को छोड़ देते हैं, गुडविल पे आ जाओ. गुडविल पहले कितना था? म्यूट. गुडविल पहले कितना था?
12,500 यस अब कितना हो गया कुछ भी नहीं नील कुछ भी नील हो गया मतलब कम हो गया कम हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है यस कम हो गया कम हो रहा है कितना कम हो रहा है पूरा 12,000 वेरी गुड 12,500 से कम हो रहा है अच्छा अब याद करो वो चीज जब मैंने आपको फिर से सेम चीज रिपीट करी मैंने आपको कल वर्ड डॉक्यूमेंट में खास लिख के बताया था अगर इंटेंजिबल ये गुडविल क्या है टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है इंटेंजिबल अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है और अगर इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट बढ़ेगा इंक्रीज होगा तो तब क्या होगा परचेस परचेस वेरी गुड और अगर कम होगा तो रिटर्न ऑफ परचेस वेरी गुड रिटर्न ऑफ यस वेरी गुड रिटर्न ऑफ तो इसका मतलब क्या है अभी सबसे पहले वैशाली ने आंसर किया रिटर्न ऑफ वेरी गुड वैशाली तो मुझे ना मतलब हाईलाइट क्या करना है इसमें कि जो गुडविल पे कोई एडजस्टमेंट अगर नहीं दी हुई है तो मैं कैसे समझूं कि क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो परचेज हो रहा है और कम हो रहा है तो रिटर्न ऑफ हो रहा है अब आप में से कोई बताएगा रिटर्न गुडविल रिटर्न ऑफ कौन सा एक्टिविटी है दिखाई नहीं देता ये मैं पे नहीं कर सकती इसको वाकई में कहीं पे जाके तो क्योंकि ये नॉन कैश है तो एड होगा कि लेस होगा एड हाँ ये एक्सपेंस है ना हाँ नॉन कैश एक्सपेंस है ये सो एड शॉर्ट में लिख रही हूँ रिटर्न ऑफ ठीक है शॉर्टकट लिखा है मैंने कितना रिटर्न ऑफ हो रहा है 12,500 एड होगा प्लस एड मतलब ब्रैकेट की जरूरत नहीं है हो गया अब आ जाओ मैं ओपन कर रही हूँ शीट नंबर 3 क्यों क्योंकि एडजस्टमेंट है वैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है ना उसमें हमने स्टार मार्क डाल के रखा है क्यों क्योंकि उसका आइटम ऊपर बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है जब ऊपर से बैलेंस शीट से कोई लेन देन नहीं होगा तो हम उसको डायरेक्टली ट्रीट कर सकते हैं उसके लिए लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं इंटरिम डिविडेंड 25,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर अच्छा ये डिविडेंड पेड है 25,000 का डिविडेंड आपने पे किया तो प्रपोज कितना किया था बोलो 25,000 क्योंकि अगर आपने पे 25 किया है तो जरूर आपने प्रपोज भी तो किया होगा 25 को पहले यस हाँ तो आपने क्या करना है 25 पेड दिखाना है और 25 प्रपोज्ड भी दिखाना है चलो दो एंट्रीज दिखाएंगे पहला पेड डिविडेंड पेड कहाँ जाएगा ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग आज ऑफ फाइनेंसिंग में डिविडेंड पे मतलब इनफ्लो है कि आउटफ्लो है आउटफ्लो है मतलब ऐड करना है कि लेस करना है लेस लेस करना है तो हम लिखेंगे लेस इन पूरा लिखेंगे हाँ इंटरिम डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड पे किया कितना पे किया फिर से बोलो 25,000 अच्छा ये पे किया तो हमको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा लेस करना पड़ेगा लेस मतलब ब्रैकेट लेस क्यों कर रहे हैं क्योंकि आउटफ्लो है क्योंकि आउटफ्लो है अब आ जाओ प्रपोज डिविडेंड की एंट्री कहाँ दिखाई जाती है कितना करूँ ऐड कितना करूँ अमाउंट तो नहीं दिए होगा इसीलिए हम लोग इसको ब्रैकेट में नहीं डालेंगे आगे बढ़ते हैं इसके दो इफेक्ट्स हो गए अब आ जाओ डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस 5% चलो इसके लिए हमको लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर बैलेंस शीट में प्रीमाइसेस दे रखा है
मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रिमाइसिस अकाउंट, प्रिमाइसिस का अकाउंट बनाया मैंने, ठीक है। ये आपका पर्टिकुलर्स, ये आपका अमाउंट वाला, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट है, ठीक है। अब इसको हम लोग स्पेस को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ जैसे दिक्कत नहीं है। अब बोलो प्रिमाइसिस एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट। हाँ, तो ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड में दिखाएंगे? डेबिट, डेबिट साइड। तो बैलेंस कैरिड डाउन, ओके। चलो बताओ कितना अमाउंट है ओपनिंग बैलेंस प्रिमाइसिस, देखो किसका ध्यान है। 5 लाख। वेरी गुड, हु आंसर? कृतिका। कृतिका, वेरी गुड। 2015 को देखना है, हमको आदत होती है पहला कॉलम पहला देखते हैं उसको लेके ओपनिंग में डाल देते हैं। तो पहला कॉलम कौन सा है मेरे लिए, 15 की 16? 15। यस, सो प्रिमाइसिस का 2015 इज ओपनिंग एंड 16 इज क्लोजिंग। सो 2015 का देखो 5 लाख वो मेरा ओपनिंग है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 5 लाख। अच्छा, क्लोजिंग को हम थोड़ा नीचे लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस दिख रहा है बोलो, क्लोजिंग बैलेंस 4,70,000। 4,75,000। अच्छा, एडजस्टमेंट पे आ जाओ। एडजस्टमेंट में बोल रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ प्रिमाइसिस इज प्रोवाइडेड एट 5%। अभी 5% बोला है, किसका 5%? वो नहीं बोला है, कॉमन सेंस है। जब भी वो अमाउंट नहीं बोलेगा ना, तो जितने का मैंने ओपनिंग खरीदा था, जितने का मेरे पास प्रिमाइसिस ओरिजिनली था, ओरिजिनली मतलब ओपनिंग। बेटा अनम्यूट करो वैशाली, काजल म्यूट कर दो, म्यूट। हाँ, अभी ध्यान से सुनो, 5 लाख मेरा जो ओपनिंग है ना, उतने का मैंने प्रिमाइसिस खरीदा था, परचेज किया था, तो 5 लाख का ही 5% दिखाएंगे। अंडरस्टूड है? स्ट्रेट लाइन मेथड, कुछ नहीं बोलेगा तो स्ट्रेट लाइन मेथड, सीखा ना हमने ये चीज पहले भी, कुछ नहीं बोलेगा तो स्ट्रेट लाइन मेथड। हाँ, तो 5 लाख का 5% कितना होता है? 25,000। डेप्रिसिएशन जब भी हम लोग चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन, उसकी एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन क्योंकि एक्सपेंस होता है, तो नॉमिनल अकाउंट्स इज डेप्रिसिएशन, नॉमिनल अकाउंट्स इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, जो भी फिक्स्ड एसेट होगा वो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये इसकी जर्नल एंट्री होती है, याद रखो। ये ना इसकी जर्नल एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट्स। क्यों फिक्स्ड एसेट को मैंने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो रही है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कम होना। तो अभी एसेट कम होती है तो उसको क्रेडिट बैलेंस ही तो होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उतने की वैल्यू चली गई, कम हो गई, इसीलिए क्रेडिट कर दिया। और डेप्रिसिएशन को डेबिट क्यों किया? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। अब हमने कौन सा अकाउंट बनाया है, कौन सा अकाउंट बनाया है? फिक्स्ड एसेट का, प्रिमाइसिस का। तो प्रिमाइसिस में ये देखो एंट्री कैसे होगी, डेप्रिसिएशन टू प्रिमाइसिस। तो प्रिमाइसिस में बाय डेप्रिसिएशन, तो याद रखो डेप्रिसिएशन हमेशा बाय में लिखेंगे, मतलब क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कितना डेप्रिसिएशन है बोलो, दिया हुआ है 5%, तो मैंने नीचे ब्रैकेट आपके लिए ना यहाँ पे ब्रैकेट बना लेती हूँ, ये ब्रैकेट आप भी बना लेना, ठीक है। 5% हाँ 5% है, आंसर 25,000, आंसर इज 25,000। अच्छा, और कोई क्या कहते हैं इसको, और कोई इस पे एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। अच्छा, तो मुझे बताओ कौन सा साइड हैवी है, कौन सा साइड हैवी है, क्योंकि अभी स्पेस बच गई है ना, तो मैं ना इसको ऊपर ले लेती हूँ। हाँ, तो मुझे बताओ कौन सा साइड हैवी है,
यस मैम दोनों बराबर है. हाँ दोनों बराबर है मतलब कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं. दोनों बराबर है मतलब कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है. ठीक है मतलब ना परचेज है ना डेप्रिसिएशन तो उसने खुद ही दे रखा है. मतलब परचेज का नहीं आएगा कुछ भी. बैलेंसिंग फिगर अगर आता भी तो परचेज होता क्योंकि बेचने के लिए तो इसने बोला ही नहीं है. अब जब बेचने के लिए बोलेगा ही नहीं तो डेप्रिसिएशन तो उसने दे रखा है. और यहाँ पे अगर बैलेंसिंग फिगर आता है डेबिट साइड तो मैंने आपको कल सिखाया था फिक्स्ड एसेट्स के डेबिट साइड में अगर बैलेंसिंग फिगर आता है तो डेबिट मतलब असेट्स. असेट बढ़ रही है डेबिट बैलेंस का मतलब ये होता है. तो जब असेट बढ़ेगी तो तब तो बढ़ेगी जब मैं परचेज करूंगी. परचेज हाँ इतना सबको समझ आया. जब असेट्स बढ़ेंगी तब इसका मतलब क्या बढ़ रही है मतलब मैंने परचेज किया है तो डेबिट साइड में ही दिखेगा परचेज. यहाँ पे तो बाय बैंक तो मतलब सेल्स पैसा आया. परचेज मतलब टू बैंक मतलब पैसा गया. समझा अभी पर कोई बैलेंस नहीं आ रहे. अच्छा तो हमने क्लोज कर दिया फाइल है दोनों बाजू लिख दिया. लेकिन अभी मैंने आपको कल सिखाया था एक रूल जिसको बोलते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग को मुझे कैश फ्लो में नहीं दिखाना. ओपनिंग एंड क्लोजिंग को नहीं दिखाना है तो उन दोनों की वजह से जो आया था ना 25,000 उसको दिखाना. हाँ तो 25,000 को दिखाना पड़ेगा. कहाँ दिखाऊं बोलो. 25,000 डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस कहाँ दिखाएंगे. ऑपरेटिंग में नॉन कैश में कि वर्किंग कैपिटल में. नॉन कैश इनकम है कि एक्सपेंस है. एक्सपेंस ऐड करेंगे कि लेस करेंगे. ऐड वेरी गुड. लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन premises. What is the amount of depreciation? Again 25,000. बस एक ही हमने एक ही एंट्री दिखानी थी. देखो लेजर अकाउंट में एक ही चीज थी जिसका कैश फ्लो में एंट्री दिखाना था. बाकी तो ओपनिंग और क्लोजिंग ही है ना. बाकी तो दिखाना ही नहीं है मैंने. चलो ये सबका हो गया. नेक्स्ट पे आ जाते हैं मशीनरी. मशीनरी ऑफ रुपीज 75,000 वॉज एक्वायर्ड मतलब परचेज. तो हम बनाएंगे मशीनरी का एक अलग अकाउंट जिसका नाम है मशीनरी अकाउंट. ठीक है ठीक है ये हो गया. अब हम यहाँ पे बनाएंगे पर्टिकुलर्स का अमाउंट. इससे एक कॉलम पर्टिकुलर्स का और एक और अमाउंट. ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है. बोलो मशीनरी इज असेट और लाइबिलिटी. मतलब ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखूंगी क्रेडिट साइड में लिखू. डेबिट. वेरी गुड वेरी गुड. टू बैलेंस क्रेडिट. हाँ जी हाँ बेटा बोलिए. हाँ बताइए. 45,000. यस मशीनरी का ओपनिंग है कितना. ओपनिंग बोला 3,75,000. 45 किसने बोला. ध्यान दो मशीनरी का ओपनिंग है 3,75,000. अच्छा क्लोजिंग कितना है. 4,22,500. ठीक है ना. बराबर लिखा है मैंने. ठीक है अब वो क्या बोल रहे हैं एडजस्टमेंट में. मैंने मशीनरी खरीदी. एक्वायर मतलब खरीदी. तो जब हम खरीदते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होती है कोई बताएगा. चलो मैं यहाँ पे लिखती हूँ बोलो. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. वेरी गुड. टू बैंक अकाउंट बोलो तो ज्यादा बेटर है. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. क्या इतना सबको समझ में आया. ये जर्नल एंट्री है. जब हम मशीनरी खरीदते हैं तो डेबिट बैलेंस उसका बढ़ता है. डेबिट व्हाट कम्स इन. और एंट्री कैसे होती है. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. टू बैंक अकाउंट क्यों. क्रेडिट व्हाट गोज आउट पैसा गया. तो इसलिए तो जब मैं यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालती हूँ तो टू बैंक लिखती हूँ. कल भी याद है ना हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखा था यहाँ पे टू बैंक. तो मशीनरी का भी उसने खुद दे रखा है.
तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू बैंक अकाउंट, लेकिन हमको ब्रैकेट बनाना जरूरी है. क्या हमने किया वो दिखाना पड़ेगा. परचेजेस, ठीक है, कितने का परचेज कर रहे हैं हम लोग, 75,000. वेरी गुड, 75,000 का मैंने परचेज करा. अच्छा, और कोई एडजस्टमेंट है मशीनरी पे? नहीं. तो क्लोज करेंगे. कौन सा साइड हैवी दिख रहा है? कौन सा वाला साइड हैवी है, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट साइड. डेबिट साइड कितना हो रहा है? 4,50,000. ओके, और ये 4,50,000 हम लोग सेम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे. कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देती हूँ, ठीक है. हाँ, तो अब मुझे बताओ 4,50,000 में से 4,22,500 को माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा? 27,500. कितना हो जाएगा फिर से बोलो? 27,500. वेरी गुड, 27,500. तो इसका नाम क्या लिखूं? अब देखो वापस वही चीज आ गई. डेबिट साइड बैलेंस आएगा तो परचेस, क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा तो सेल्स. लेकिन सेल्स के लिए तो उसने बोला ही नहीं है. तो क्रेडिट साइड बैलेंस आ रहे तो मतलब क्या लिखूं मैं? डेप्रिसिएशन. यस, स्क्रीन पे देखो आपको दिखेगा बाय डेप्रिसिएशन. कुछ नहीं बोलेगा और मशीनरी का क्रेडिट बैलेंस आया मतलब मशीनरी कम हो रही है. कम तो तब भी होगी ना, बेचने के लिए तो बोला ही नहीं है. तो कम कभी होगी जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे. और मशीनरी है तो डेप्रिसिएशन तो होना ही है, फिक्स्ड एसेट है तो डेप्रिसिएशन तो होगा ही होगा, चाहे वो बोले चाहे वो नहीं बोले. लेकिन सेल्स के लिए वो बोलेगा तो करने का. डेप्रिसिएशन के लिए चाहे बोले चाहे नहीं बोले, डेप्रिसिएशन हैज टू बी देयर, ठीक है. चलो एक सेकंड ना, यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर आया ना, उसको हम लोग एस्ट्रिक मार्क दिखा देते हैं, ठीक है. अमाउंट में मैं एस्ट्रिक मार्क नहीं दिखा सकती हूँ, नहीं तो उसका वो अलाइनमेंट है ना, वो राइट लेफ्ट से राइट में आ जा रहा है. इसलिए मैं आप लोग जैसे दिखाते हो ना अमाउंट के ऊपर एस्ट्रिक साइन, वैसे ही दिखाओ, ठीक है ना, नोटबुक में वैसे ही करो. अब मुझे बताओ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस को अगर हम नहीं दिखाएंगे, ये आपका ओपनिंग ये आपका क्लोजिंग, अगर हम नहीं दिखाएंगे तो कितने आइटम्स हैं जिसका इफेक्ट दिखाएंगे? दो. पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा परचेज. पहले आते हैं डेप्रिसिएशन पे. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कौन सा एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग. ऑपरेटिंग में नॉन कैश की वर्किंग कैपिटल, नॉन कैश एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस. एक्सपेंस होगा कि लेस होगा? ऐड. तो ऐड कर लिया हमने, ये देखो ऐड कर लिया. ऐड करके हम लोग इसका नाम चेंज कर देते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन, डेप्रिसिएशन ऑन क्या था? मशीनरी. मशीनरी कितना अमाउंट था फिर से बोलो? डेप्रिसिएशन का अभी अभी अमाउंट कितना था? 27,500. वेरी गुड, चलो डेप्रिसिएशन हो गया. अब आते हैं परचेज पे. परचेज कितना किया? 75. परचेज कौन सा एक्टिविटी है? परचेज ऑफ मशीनरी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टमेंट. वेरी गुड अतीफा, वेरी गुड. दोज हु आर आंसरिंग, वेरी गुड. वैशाली, हलीमा, वेरी गुड. अब मुझे आना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे. देखो एक ही पहला आइटम आ रहा है यहाँ पे, परचेज. ठीक है, परचेज ऑफ मशीनरी. बोलो कौन सी एक्टिविटी में इनफ्लो है कि आउटफ्लो हो रहा है? आउटफ्लो. आउटफ्लो मतलब लेस की ऐड? लेस. कितना लेस? 75,000. अच्छा, लेस से करना है, लेस से तो क्या करना है? ब्रैकेट में डालना है. ब्रैकेट में ब्रैकेट. चलो बहुत बढ़िया. अब आते हैं लास्ट, इनकम टैक्स. देखो अगर सम खत्म नहीं हुआ ना तो एक बार फिर से रीजॉइन कर लेना. किसका लेक्चर है बाद में? मेरे बाद किसका लेक्चर है? नंदिनी मैम का. नंदिनी मैम को रिक्वेस्ट कर लूंगी कि 11
अगर 15 जो भी मैंने टाइम खत्म किया ना उसके 15 मिनट्स के बाद मैं आपको बोलती हूँ शुरू करो, ठीक है? चलो श्री में आ जाते हैं। एक और हम लोग टैक्स का अकाउंट बना लेंगे। इनकम टैक्स लिखो या प्रोविजन फॉर टैक्स लिखो या टैक्स लिखो, बात एक ही है। प्रोविजन फॉर टैक्स। हाँ, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स को आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ टैक्स अकाउंट, ठीक है? टाइम बचेगा मेरा, मेरा मतलब सम का, एक पर्टिकुलर जमा पर्टिकुलर सम। बोलो ये लायबिलिटी की असेट है। लायबिलिटी। इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा कि क्रेडिट साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अच्छा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन मतलब ओपनिंग। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग कोई बताएगा मुझे कितना? 84 की आवाज है ना आई थी मुझे, उसे 76 बोला शिवानी। 2016 yes, को पहले नहीं देखना, 2015 को पहले देखो। बेशक तुम लोग क्लासरूम में नहीं हो, हम लोग क्लासरूम में नहीं, लेकिन आवाज से मेरे को समझ आ रहा है, ठीक है? गलती से बोला। ध्यान दो। सो प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग बैलेंस कितना है? 84,250। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 84,250। अच्छा, यहाँ पे लिखूंगी क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस क्लोजिंग को थोड़े लास्ट लाइन पे नीचे नीचे लिख देता हूँ। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? अभी ये शिवानी वाला अमाउंट, ठीक है? चलो ये भी हो गया। हाँ, खुद पे ही हंसती है। चलो ठीक है, अब देखो प्रोविजन फॉर टैक्स के टाइम पे दो चीजें होती है, पेड प्रोविजन। अगर पेड देगा तो प्रोविजन बैलेंसिंग फिगर, अगर प्रोविजन देगा तो पेड बैलेंसिंग फिगर। देखते हैं क्या दिया हुआ है लास्ट एडजस्टमेंट। इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर द ईयर वाज 75,000। क्या दिया है? प्रोविजन दिया है कि पेड दिया है? प्रोविजन। और कल की एंट्री याद है, प्रोविजन होता है तो बाय पीएनएल दिखाते हैं, याद आया? प्रोविजन होता है तो बाय पीएनएल अकाउंट दिखाते हैं, और ब्रैकेट में लिखते हैं TPCY, ब्रैकेट में लिखते हैं TPCY, फुल फॉर्म है टैक्स प्रोविजन फॉर करंट ईयर। मैं ना फिर से नहीं बताऊंगी बाय पीएनएल हमने क्यों लिखा, टू पीएनएल क्यों नहीं लिखा। ये मैंने कल जर्नल एंट्री के साथ लॉजिक्स क्लियर किए हैं। पीएनएल अकाउंट को डेबिट क्यों करना है? नॉमिनल अकाउंट से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि मेरा पीएनएल PNL को डेबिट क्यों किया? क्योंकि टैक्स पे करने वाले हैं तो मेरा खर्चा होगा, इसीलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ये मैं सब कल क्लियर कर चुकी हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दोस पॉइंट्स वंस अगेन। तो अभी टैक्स का 75,000 प्रोविजन दे रखा है, 75,000 हो गया ये आपका प्रोविजन। अच्छा, अब और कोई एडजस्टमेंट है? नहीं। तो क्लोज करना है, कौन सा साइड हैवी है? अंडरस्टूड है। देखो प्रोविजन दिया हुआ है ना तो पेड बैलेंसिंग फिगर खुद ही आएगा। डेबिट साइड नहीं, क्रेडिट साइड हैवी है। क्रेडिट साइड हैवी है। बोलो अमाउंट, बोलो कितना आ रहा है? 159,250 आ रहा है क्या? 9,250। हाँ, करेक्ट है क्या? हाँ, ओके। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पे दूसरी साइड में। उसके पहले म्यूट। चलो 159,250 में से 76,250 गया तो कितना बचेगा? 83,000। अच्छा, मतलब अंडरस्टूड है, प्रोविजन तो दिया था, मतलब ये पेड है। तो जब हम टैक्स पे करते हैं तो एंट्री क्या होती है? टैक्स अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बैंक टू बैंक, टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सी इन डिटेल आई विल नॉट रिपीट दैट पॉइंट बिकॉज ऑलरेडी हमने ये पॉइंट कल क्लियर की थी। तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे पेड,
ब्रैकेट लिखना जरूरी है. 83,000 ये हमने एस्ट्रिक मार्क नहीं डाला है, मैं एस्ट्रिक मार्क आपके लिए डाल देती हूँ. 83,000. आप मुझे बताओ किस किस के इफेक्ट दिखाने हैं, किस किस का इफेक्ट दिखाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैंक. दो. ओके, पहला टीपीसीवाई का इफेक्ट दिखाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स. कौन कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. ऑपरेटिंग. ऑपरेटिंग कहाँ जाएगा? नॉन कैश एक्सपेंस है तो ऐड करेंगे कि लेस? ऐड करेंगे. ऐड करें. हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स. प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था अमाउंट? 75,000. ऐड ही है तो हम लोग ब्रैकेट में निकालेंगे. अच्छा, दूसरा था पेड. दूसरा था यहाँ पे देखो ये वाला पेड, ये कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. लेस टैक्स पेड. नहीं, कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग. अतिफा मार खानी है, फाइनेंसिंग में जाएगा. तीन में टैक्स पेड माइनस लेस टैक्स पेड. चुप हो जाओ, सॉरी, चुप हो जाओ. मैंने सुन लिया कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है. हाँ, फॉर्मेट में टैक्स बनाया है, टैक्स में अलग से होगा. हाँ, लेस टैक्स पेड. बस अभी चुप हो जाओ, मैं समझ गई. चुप हो जाओ, सारे म्यूट करो. अब सुनो ध्यान से, जिस जिसने फाइनेंस बोला ना उसको मार मिलेगी मेरी, और इंटरनल्स में मैं माइनस फाइव कर रही हूँ अभी काफी. बिल्कुल ध्यान नहीं है तुम लोग का. टैक्स पेड हो चाहे प्रोविजन हो, जाएगा ऑपरेटिंग में. अगर प्रोविजन होगा तो नॉन कैश में जाएगा, ये देखो नॉन कैश में जाएगा प्रोविजन. और लेस पेड होगा तो सीधा सीधा लेस टैक्स पेड यहाँ पे ही जाएगा ना, बताया तो था कल भी. अतिफा समझ आया? शिवानी ने भी गलत आंसर दिया था, मैंने आवाज सुनी थी तेरी. यस मैम. हाँ, मुझे समझ रहा है कौन कौन गलत आंसर दे रहा है. तो टैक्स पेड जो है ना वो ऑपरेटिंग में ही जाएगा, लेकिन उसकी एक अलग जगह पे हमने उसको लास्ट में रखा हुआ है. ठीक है, ऑपरेटिंग में कितना हमने पे करा था? 83,000. लेकिन ब्रैकेट, वेरी गुड, ब्रैकेट दे रहे हैं, ब्रैकेट दे रहे हैं. ये भी क्लियर हो गया. चलो, हो गया मतलब सारी एडजस्टमेंट्स खत्म, पूरा सम खत्म. सिर्फ कैश और बैंक रहा हुआ है, वो हम एंड में दिखाते हैं. कैसे? सबसे पहले क्लोज करेंगे. क्लोज करेंगे तो आप मुझे ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का 5 मिनट्स के लिए ना मीटिंग फिर से ज्वाइन करना, फिर हमारा लेक्चर ओवर होगा. 5 मिनट्स के लिए वापस मीटिंग ज्वाइन करना. ओके, टिल देन आप ना मुझे इस कॉलम का टोटल, इस कॉलम का टोटल, सॉरी, ये इन तीनों का टोटल